बिजनौर के थाना क्षेत्र बधापुर और कोतवाली देहात में जैसे मस्जिद और मदरसे से नमाज पढ़कर निकले एटीएस की 7-8 गाड़ियां पहुंची और बधापुर की मोती मस्जिद से मुफ्ती फैजान और तनवीर अहमद को गिरफ्तार किया। जबकि लोगों का कहना है कि कोतवाली देहात इलाके से फरमान और जैनुल को भी गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। अभी तक पूरे मामले का सही खुलासा होना बाकी है। अभी जनपद बिजनौर में खुफिया पुलिस और भी संदिग्ध की तलाश में जुटी है। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है। जी मकसूद भाई, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि निवाड़ा से पुलिस आई बाहर से, नीचे वाले और जो हमारे बच्चे हिफ्ज़ कर रहे थे और पढ़ने वाले बच्चे, कोई मालूम नहीं हमें, और वे आके हमारे बच्चों को उठा के ले गए। कुल कितने लोगों को ले गई पुलिस उठा के? ये जो चार लोगों को ले गए, चार बच्चों को। तो क्या मामला था, कुछ मामला बताया उन्होंने? कोई मामला कोई पता नहीं चला। ये मामला का पता चला है कि पूछताछ के लिए लिया गया। उनकी जानकारी दिवा देंगे। आपका मोहम्मद कासम जी, क्या है पूरा मामला? ये पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले मेरे बच्चे को ले गए जैनुल आबिदीन को पूछताछ के लिए। कौन ले गए? कौन ले गए? डीएस वाले, एटीएस वाले। एटीएस वाले तो कहाँ ले गए हैं बच्चों को? नोएडा ले गए। क्या करते थे बच्चे आपके? मेरा बच्चा पढ़ता है, हिफ्ज़ कर रहा है करीबन 10-12 का। कहाँ पे? अलीपुरा जट।